हमने अगर आप ये देखेंगे 6 अगस्त को एमएलए नरेश बालियान जी को मेल डाला है, जितने भी अदर विधायक हैं उनको मेल डाला है। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे आपके एमसीडी मेयर को मेल डाला है, ठीक है, आपके कमिश्नर एमसीडी को मेल डाला है, कोई एक्शन नहीं है। आते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सारा कूड़ा यहीं भरा पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाने वाला आता, उठाने वाला कोई नहीं आता यहाँ से कूड़ा। एक दफा सफाई हुई है जब से ये आया, वो भी कूड़ा सड़कों पे रहा है। कितनी दिक्कतें होती हैं क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है, लोग पार्कों में आते हैं, गंदा पानी अंदर ही जा रहा है ना, समरसीबल में ही आ रहा है ये पानी, वो ही हम पीते हैं, तो बताओ हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सोच रहे हैं कि दिल्ली के बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप दिल्ली को छोड़िए, दिल्ली के सिंगापुर में आप आइए, यानी कि मोहन गार्डन के डीप के पार्क में आइए। और आपको बता दिए कि देखिए, एक बार तस्वीरों में दिखाइए, ये मोहन गार्डन का डीके पार्क है, और यहाँ पर जो पार्क में किस जो व्यवस्थाएँ हैं वो देखिए, कुर्सियाँ बनी हुई हैं, एक्सरसाइज के लिए मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद पार्क में आना बेहद मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये पार्क में आपको पानी दिख रहा होगा, ये पानी दिल्ली सरकार के जल बोर्ड का पानी है जो सीधा नालों से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। आम जनता के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है, लोग पार्कों में आते हैं स्वच्छ हवा ले सके, एक्सरसाइज कर सके, लेकिन हालत है, एक आप देखिए, एक्सरसाइज की मशीनें भी लगी हैं। जनता से भी जुड़ेंगे इस इलाके में जो लोग रहते हैं। माता जी, आप सुबह सुबह हम सोचते हैं पार्क में आए स्वस्थ हवा लें, लेकिन यहाँ कैसे हालत है? देख लो भैया, बंद दरवाजा रखते हैं सारे दिन, और ये गली पानी की भर जाती है, परली भी भर जाती है, मेरे तो घर में भी पानी आ जाता है, बड़ा परेशान हो रहे हम तो। इनको बनने का शौक था, विधायक बन गया, बैठ गया, और कोई काम नहीं है इसका। पानी ये कहाँ का पानी है? ये नाले का पानी है जी, नाले का पानी आता है, नाला ब्लॉक हो जाता है। एक दो दफा सफाई करी है, सारा कूड़ा निकाल के रोड पे डाल दिया, वो लोगों के पैरों में फिर घरों में जाता है, वो सारा कूड़ा यहीं भरा पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाने वाला आता, उठाने वाला कोई नहीं आता यहाँ से कूड़ा। एक दफा सफाई हुई है जब से ये आया, वो भी कूड़ा सड़कों पे रहा है। कभी शिकायत करी है इस पार्क में ये व्यवस्था हो चुकी है विधायक? खूब करी है, ये बच्चे बता तो रहे हैं, खूब जा के शिकायत करते हैं, गए हैं आज इकट्ठे होके गए हैं, तभी भी आके कहते मीटिंग करो वहाँ पे, तब हम आएंगे फिर देखेंगे। बताओ हमको खाली थोड़ा बैठे हैं कि जा के इसके दफ्तर के आगे खड़े रहे जाए, इनको कंप्लेंट के लिए जाए। क्या कहना चाहेंगे माता जी, पार्कों की ये हालत बना रखी है कि लोग अपने को कैसे स्वस्थ बनाएंगे? स्वस्थ आपको नजर ही आ रहा है क्या? स्वस्थ हो रहा है यहाँ पे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, यहाँ पे एक नाला है वो ब्रेकेज हो रखा है, जिसका पानी जैसे भी बारिश आती है फ्लो होता है, सारा पानी बाहर और सारा पानी अंदर घर में। अगर ये पार्क की दीवार ना हो शायद हमारे घरों के अंदर भी पानी हो, हम एक किस्म से जानवर की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। जिम्मेदार व्यक्ति को इसकी शिकायत देने की कोशिश करिए आप। सर देखिए, आज की डेट में मीडिया जो है बहुत पावरफुल है, ईमेल कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है, हमने उसको यूज़ किया है। हमने अगर आप ये देखेंगे 6 अगस्त को एमएलए नरेश बालियान जी को मेल डाला है, जितने भी अदर विधायक हैं उनको मेल डाला है। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे आपके एमसीडी मेयर को मेल डाला है, ठीक है, आपके कमिश्नर एमसीडी को मेल डाला है, कोई एक्शन नहीं है। आते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये अगर आप देखेंगे नाले का पूरा 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 फ्लो ऊपर तक है, नाले की सफाई नहीं हो रही, पानी पीने के लायक नहीं है। आप सुबह आके देखो, हमने नाले की पानी की बोतल जो पानी में टूटी टैप में से आ रहा है वो हमने वहाँ पर जाके सबमिट करी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ। रोड 6 महीने से खुदी है, रोड नहीं बनी अभी तक, 6 महीने हो गए इस रोड को, कितनी बार हुआ है, लोग गिरते हैं बेचारे, 2 रिक्शे पलटे हैं 4 दिन पहले, 2 रिक्शे पलट गए हैं, सीवर खुला हुआ था, गड्ढा खोदा हुआ था, सड़कें बनी रही, और 2 लेडीज और 2 बच्चे घायल हुए हैं। जब से बनी है ना रोड, इतना घटिया मटेरियल। अच्छा विधायक साहब, जब आपके पास आएंगे, अब चुनाव करीब है, विधायक साहब आपके करीब आपके पास आएंगे तो किस तरह से उनका जवाब दिया जाएगा? हम भगा देंगे यहाँ से, ये देखेंगे पहले, यहाँ नहलाएंगे उसको पकड़ के। अच्छा हाँ। और पानी पिलाएंगे जो हम कैसे, ये गंदा पानी अंदर ही जा रहा है ना, समरसीबल में ही आ रहा है ये पानी, वही हम पीते हैं, तो बताओ हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। घरों में जा रहा है, सीलन भी आ रहा है, घरों में जा रहे हैं, और ये अंदर जाकर शिवर में भी आ जाता है, और ये जो समस्या लगा रखा है वो भी गंदा पानी आने लगा इसकी वजह से। कैसे स्वागत करेंगे सब विधायक जब यहाँ पे आएंगे? करते करेंगे स्वागत, आएंगे तो हाँ स्वागत तो अच्छी तरह कराऊंगा उसकी, आएगा जब तो अभी, और जब हम जाएंगे तो घर से बाहर नहीं निकलेगा।
बोलो क्या कहना चाहेंगे, सिंगापुर ऐसा विकास क्या है दिल्ली सरकार ने यहाँ पर? बहुत बढ़िया, आपके सामने ही है सारा कुछ, ना बच्चे खेल सकते हैं, बीमारियाँ इतनी हैं, मक्खियाँ मच्छर, नाले का इतना गंदा पानी है, तो बहुत बड़ी सुविधा, अच्छी सुविधा दे रखी है। पानी जो है वो विधायक के उसका है, दिल्ली जल बोर्ड का, लेकिन पार्क की जिम्मेदारी बनती है एमसीडी की, तो कभी निगम पार्षद भी आते हैं इस चीज को देखने के लिए? कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ पे। ये पिछले बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा, कोई सुनवाई नहीं है हमारी यहाँ पे। कैसे स्वागत करेंगे इस बार जब कैंडिडेट आपके पास आएंगे और तमाम फिर वो पुराने वादे करेंगे आप लोगों से? उनके बात वादा क्या करना है, यहाँ पे देखो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जैसे कहा जाता है, वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से हमारे लिए तो ये लेक भी हो गया। आप देखिए बाहर निकलते ही इतनी स्मेल है, इतने मच्छर है, मलेरिया के चांसेस कितने हैं, कितने बीमारियों को, अनगिनत बीमारियों को ये लोग इससे बेसिकली हो सकती हैं। बच्चे सारे खेलते हैं कहाँ, ना कोई खेल सकता है ना कुछ कर सकता है। कहने को क्षेत्र का नाम मोहन गार्डन है और पूरे मोहन गार्डन के अंदर दो ही पार्क बने हुए हैं, दो ही पार्क में अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो ये तो बच्चे बदतर वाली बात होगी। मेयर साहिबा को और आपने नरेश बालियान को जो मेल करा था, कितने दिन पहले किया था आप लोगों? 6 अगस्त की मेल है जी हमारे पास में, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। और उसके बाद में बाहर ये ट्रांसफार्मर है, इसके पास में लोगों ने कूड़ा दान बना दिया था, लोगों ने कूड़ा उठा के यहाँ पे डंप करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको एक्शन में हमने ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक ने दोनों ने मिल के, घरों ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके फंड क्रिएट करके दो गार्ड को 12,000 के दो गार्डों के 3 महीने तक हमने उनको डिप्लॉय किया है, दिन रात डिप्लॉय किया, सुबह 24 घंटे हमने इसको स्वस्थ किया है, उसके बाद फिर ये पानी की प्रॉब्लम आ गई है। तो ये वो जनता है जिसको इलाके के जो कैंडिडेट आते हैं बहुत ही प्यार से लुभा लेते हैं, और जब जीतने के बाद जो हालत है वो आपने तस्वीरों में देखी, ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जब इलाके के यहाँ विधायक आएंगे उनका बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस जो पार्क की जो हालत है इसका जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, हालांकि उनको शिकायतें दे चुकी है, इलाके के विधायक को दे चुके हैं, जो दिल्ली के जो मेयर है उनको शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन बावजूद 3 से 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्या इसको ठीक करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। बच्चे भी परेशान हैं क्योंकि हमें मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव करीब हैं और जब जो नुमाइंदे इनके बीच आएंगे और वे किस तरह से उनका स्वागत करके किसकी सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।